Sono Todd Bowler. सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग फिलहाल चेकआउट कर रहे हैं मदारी में। आज हमारा आखिरी दिन है। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए। मनाली से धर्मशाला जाने के लिए दो तीन ऑप्शंस है, जैसे कि बस है और कैब है। बस से दो बसें रन करती है, दो तरह की बसें रन करती है। एक तो नॉर्मल जो ऑर्डनरी बसें होती है वो, और दूसरी वॉल्वो। दोनों HRTC की है और मे भी शायद प्राइवेट ऑपरेटर्स की भी बसेस जाती है यहाँ से धर्मशाला। मेरे को बराबर आइडिया नहीं है। HRTC के तो वॉल्वो का यहाँ से धर्मशाला का चार्ज लगता है लगभग 960-970 रुपये, ऐसा ही कुछ है। और नॉर्मल बस का लगता है 500 समथिंग, और अराउंड 230-240 किलोमीटर दूर है धर्मशाला यहाँ से। और कैब का हमने पता किया, कैब का यहाँ से धर्मशाला लगभग 5,000 के आसपास आता है। 4,500 से 5,000 रुपये चार्ज करते हैं ये। सो इफ यू आर ग्रुप ऑफ फोर और मोर देन फोर पर्सन्स, तो कैब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। गुलाबा कोटी साइड बर्फ मिलती है अभी भैया? बहुत कम है गुलाबा में भी। सबसे मतलब बढ़िया है वहाँ पर, जितना मिल गया आपको उतना ही है, उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं मिलना। उससे ज़्यादा तो फिर रोहतांग में मिलेगा। हाँ, वो तो रोहतांग तो बनती है ना। देखो कोठी और तक अभी गुलाबा कोठी और तक जाने दे रहे हैं क्या? गुलाबा तक रोड ओपन है भैया। अच्छा, ये गुलाबा ओपन कब हो जाता है जाने के लिए वैसे, या पूरे साल भर रहता है? ऐसे तो इस बार जल्दी हो गया है ना, इस बार तो फरवरी महीने में हो गया है। 24-25 को ओपन कर दिया था जी, तो मार्च के लास्ट में होता था। अच्छा, सब रखने पड़ी तो इस बार बर्फ है नहीं ना, इस बार फिर रोहतांग भी जल्दी खुल जाएगा। जल्दी खुल जाएगा भैया, तो मई में खुलता था, इस बार आपका अप्रैल में ही खुल जाएगा रोहतांग। अच्छा, और यूं ही बातें करते करते हम 4 बजे बिर पहुंच गए। बिर बिलिंग में कई इनएक्सपीरियंस लोग बिना लाइसेंस के ये एक्टिविटी करवाते हैं, तो बुक करने से पहले प्रॉपर जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है।
बज रहे हैं शाम के 7:30 और फिलहाल मैं हूँ बिर में। प्लान तो हमारा धर्मशाला जाने का था लेकिन हमने सोचा क्यों ना बिर में रुक के पैराग्लाइडिंग कर ली जाए, तो हम पहले बिर आ गए और अब यहाँ से हम धर्मशाला जाएंगे। बिर हम लोग आए बाय कार, हमें दो जन और मिल गए थे तो हमें कार अफोर्डेबल पड़ी काफ़ी, तो कार का हमने पे किया लगभग 3,500 रुपये, तो 3,500 डिवाइड बाय 4 तो लगभग 900 रुपये पर पर्सन पड़ा, जो कि वॉल्वो बस के बराबर ही हो जाता है। तो 11:15 बजे निकले थे मनाली से और 4 बजे हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बिर में, तो लगभग 5 घंटा लगे बाय कार। अगर वहीं अगर हम बस और से आते तो लगभग 6-7 घंटा लग जाते। पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस बोलूँ तो अमेजिंग, कमाल का एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ टाइम की एक बार तो ज़िंदगी में करनी ही करनी है। एंड बिर विलिंग इज़ सेकेंड हाइएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट इन द वर्ल्ड, तो एक तरफ से रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी है एंड मैं सेकेंड हाइएस्ट के अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट्स इन द वर्ल्ड है, बिकॉज यहाँ पे जो लैंडिंग साइट है वहाँ पे इतना ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है एंड जो टेक ऑफ है, जो विंड कंडीशंस है टेक ऑफ और में, वो पूरे साल भर मतलब पैराग्लाइडिंग के लिए काफ़ी सूटेबल रहती है, तो इसके लिए काफ़ी सही लोकेशन है बिर विलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए। और यहाँ पे दुनिया सबसे पहला पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हुआ था 2015 में, तो उसकी वजह से और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ये। बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पैराग्लाइडिंग कमाल का, जो आसमान से नज़ारा दिखता है, जो इट्स मतलब मैं क्या बोलूँ, यश वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, जो इतना कमाल का एक्सपीरियंस था, बट मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आपको ट्राई करना चाहिए। और हमने पैराग्लाइडिंग के लिए पे किया अराउंड 2,000 रुपये पर पर्सन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। और फिर पैराग्लाइडिंग वगैरह करने के बाद मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो हमने बिर में ही एक रात रहने का डिसाइड कर लिया। और बिर में हमने कोई तो ये गेस्ट हाउस है वहाँ पे हम रुके हैं एंड इसका हमने पे किया अराउंड 500 रुपीज़ पर रूम, उसके अंदर दो जन रुक सकते हैं तो 250 पर पर्सन हो गया, तो काफ़ी सही है ये भी। बाकी अभी हम थोड़ा आराम करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आसपास में कैफ़े है तो वहाँ खाना वगैरह खा लेंगे एंड कल निकलेंगे हम धर्मशाला के लिए। कल सुबह निकलेंगे हम धर्मशाला के लिए, धर्मशाला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 60-65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बिर से धर्मशाला के लिए बसेज रेगुलरली जाती रहती है, हर आधा एक घंटा में एक बस मिल जाती है, तो ऐसा जैसा कुछ इशू है नहीं। बाकी पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस तो कमाल का था। अगर आप, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश आ रहे हो एंड इफ़ यू आर विजिटिंग धर्मशाला तो बिर विलिंग विजिट करना तो बनता है एंड पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस इज़ अ मस्ट ट्राई, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो डू ट्राई इट। पैराग्लाइडिंग के हमने पे किए 2,000 रुपये पर पर्सन और उसके अंदर इंक्लूड था हमारा यहाँ से ऊपर जो बिलिंग पॉइंट है जहाँ से हम जंप करते हैं उसका ट्रांसफ़र, प्लस गोप्रो की रिकॉर्डिंग्स, प्लस गोप्रो से वीडियो रिकॉर्डिंग्स, और 2,000 रुपये में लगभग 15-20 मिनट का ड्यूरेशन का पैराग्लाइड कराते हैं यहाँ पे एंड 15-20 मिनट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी ड्यूरेशन हो जाती है। और बाकी ये है कि एक बार ऊपर होता है तो वापस नीचे आने का मन ही नहीं करता है, इतने ऑसम व्यूज होते हैं क्या बोलूँ मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इससे हमें भी कंटेंट इम्प्रूव करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा।